नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकले हुए भर्ती के बारे में। तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भर्ती जारी की गई है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में हो रही है। तो आगे जाकर बड़े विस्तार में जॉब के संबंधित आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे ही, पर उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो THDC यानी कि तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है और ये जो भर्ती है बड़े पैमाने पे हो रही है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सेक्रेटरी असिस्टेंट, फिटर, प्लम्बर, मैकेनिकल ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, ऐसे बहुत से पोस्ट के लिए हो रही है स्टेनोग्राफर के साथ। और पे स्केल एज पर रूल्स है तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर पे स्केल मिल जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरियस पोस्ट है, एग्जैक्ट वैकेंसीज कितनी है बताया नहीं गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 12 पास होना जरूरी है और ITI पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक के जो उम्मीदवार है इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है तो आपको आपके एज में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगी। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन और मार्क्स के आधार पर होने वाली है, यहाँ पर आपकी इंटरव्यू ली जाएगी। अप्लीकेशन फी एज पर रूल्स है तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फी भरनी होगी। स्टार्टिंग डेट क्या है वो देख लेते हैं, तो 10 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2019 तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उनका अप्लीकेशन निश्चित कर सकते हैं आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो अपरेंटिसशिप के लिए भर्ती हो रही है और 10वीं आपको मिनिमम पास होना जरूरी है। ITI एग्जामिनेशन रेगुलर बेसिस पे जो पास हुए हैं वे भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अलाउंस भी अच्छा खासा मिल जाएगा, 18 साल से 30 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है, SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। स्टेपेंड आपको एज पर रूल्स मिल जाएगा। मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके ITI टेक्नीशियन एंड नॉन टेक्नीशियन एग्जामिनेशन जो है आपको वेटेज जो है 30% जो है 10th के मार्क्स को है, 70% ITI के मार्क्स को है। नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए 100% जो ऑफ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसकी भी जानकारी बताई गई है। लिंक्स भी यहाँ पर दिया गया है, उन लिंक्स का उपयोग कर आप अप्लाई कर सकते हो। PDF जारी किया गया है यहाँ पर, इस PDF में जो डिटेल्स बताए गए हैं वो आपको फिल करने हैं और ये गए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका जो एप्लीकेशन है आपको भेज देना है। तो जल्द से जल्द आपका जो एप्लीकेशन है भेज कर आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। बहुत दिनों बाद कोई वैकेंसी निकली है और वो भी THDC यानी तेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन में। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें और आपका जो एप्लीकेशन है तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो भर्ती निकले है इसे जल्द से जल्द आवेदन कर आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा आपके दोस्तों के साथ जिससे ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।